बहुत सारे भक्तों का सर्दियों में प्रश्न आता है कि गुरुजी, गर्मियों में तो हमारी तुलसी सही रहती है, हरी भरी रहती है, लेकिन जैसे ही सर्दियों का मौसम नजदीक आने लगता है तो हमें अपनी तुलसी की बहुत चिंता होने लगती है, और सर्दियों में चिंता होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि तुलसी का जो पौधा होता है ये बहुत कोमल पौधा होता है, इसकी जो पत्तियां होती हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं। जैसे ही मौसम का टेम्परेचर घटने लगता है, जैसे ही धीरे धीरे करके ठंड बढ़ने लगती है, वैसे वैसे सबसे ज्यादा असर अगर किसी पौधे पर पड़ता है तो तुलसी का पौधा उसे आप कह सकते हैं। अब आप देखिए कि तुलसी की जो पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल छोटी होती हैं, और जैसे ही वातावरण में ठंड बढ़ने लगती है ये पत्तियां जो हैं कहीं ना कहीं मुरझाने लगती हैं। साथियों, बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है कि सर्दियों में हमारी जो तुलसी है उसे हम किस तरह से रखें जिससे वो सर्वाइव कर सके, क्योंकि सर्दियों में अगर तुलसी का ख्याल आप नहीं रखोगे तो आपकी तुलसी मुरझा जाएगी और कुछ समय के बाद आपकी जो तुलसी है वो पूरी तरह से सूख जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर आप ये भी देखिए कि मेरा जो ये तुलसी का पौधा है, यहाँ पर आप इसको बिल्कुल हरा भरा देख रहे हैं, कहीं से भी इसकी पत्तियां मुरझा नहीं रही हैं, कहीं से इसकी पत्ती कोई जली हुई नहीं है। इसका बहुत मुझे ख्याल रखना पड़ता है, इसको हम बड़ा ध्यान से रखते हैं, क्योंकि ये जो पौधा है ये केवल एक पौधा नहीं है, ये हमारी माता भी है। तुलसी को साक्षात माँ कहा गया है, और ऐसा घर जहाँ पर तुलसी लगी होती है वो घर किसी भी तीर्थ से कम नहीं होता। अब पिछले बहुत दिनों से हमारे बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं, गुरुजी सर्दियों का मौसम आ चुका है, अब कृपया करके आप कुछ ऐसा बताइए जिससे हम अपनी तुलसी की रक्षा कर सकें, हमारी तुलसी भी सर्दियों में हरी भरी रहे, उसको किसी प्रकार का कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि तुलसी की जड़ में आपने क्या डालना है जिससे आपकी जो तुलसी है वो हरी भरी रह सके। ये चम्मच में वो चीज है जो आपने अपनी तुलसी में डालनी है, और इस एक चम्मच को तुलसी की जड़ में डालने से मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ आपका तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा। तो आज का ये एपिसोड बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, एपिसोड को आपने पूरा देखना है ताकि किसी भी तरह की कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युरमोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो मेरे प्यारे दर्शकों, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का ज्योतिष मिराकल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। तुलसी की जड़ में डाल दें, यह एक चीज आपकी तुलसी सर्दियों में भी मुरझाएगी नहीं। प्यारे बंधुजनों, ये क्या चीज है जो आपने तुलसी की जड़ में डालनी है, अब मैं आपको
बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर एपिसोड पसंद आएगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा भक्त जनों के साथ शेयर करना है, क्योंकि एपिसोड को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बड़े प्यार से विश्वास से हम आपके लिए जानकारी लेकर आते हैं। प्यारे बंधुजनों, हल्दी जो हम अपने घर पर प्रयोग करते हैं, सब्जी में डालते हैं, दाल में डालते हैं, चावल में डालते हैं, वही हल्दी यहाँ पर मैंने ये ली हुई है। ये चम्मच में हल्दी मैंने ली हुई है और इस हल्दी में पानी मिलाकर के थोड़ा इसका घोल आपने तैयार कर लेना है। जिस प्रकार से आप यहाँ देखिए चम्मच में मैंने हल्दी डालकर और इसमें पानी डाल रखा है, इसी तरह का ये घोल आपको तैयार कर लेना है। इसी हल्दी के घोल को आपने तुलसी के वृक्ष की जो जड़ होती है, जड़ में आपने हल्दी के इस घोल को डाल देना है। या आप एक काम करें, एक इतने से लोटे में एक चम्मच हल्दी का डालकर उस लोटे को जल से भर लें, उसके बाद उस जल को तुलसी की जड़ में दे देना है। हफ्ते में एक बार आपने ये काम करना है। साथियों, जैसे ही आप ये हल्दी वाला जल तुलसी की जड़ में देना स्टार्ट करोगे, आपकी तुलसी सर्दियों में भी मुरझाएगी नहीं और ठंड का किसी भी तरह का असर आपकी तुलसी पर नहीं पड़ेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हल्दी जो है वो एक एंटीबायोटिक होती है। आप देखिए, जब किसी बच्चे को चोट लग जाती है या कहीं जैसे हाथ पर या पैर पर कोई चोट लग जाती है और वहां से थोड़ा अगर खून भी निकलता है तो डॉक्टर कहते हैं कि उस जगह पर हल्दी लगा देनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हल्दी में ऐसे तत्व होते हैं जो एंटीबायोटिक्स का काम करते हैं, अर्थात दवाई से भी ज्यादा असर करती है हल्दी। हल्दी को जहां पर लगा दिया जाता है वहां की जो पीड़ा है तुरंत प्रभाव से शांत होने लगती है। किसी व्यक्ति को जब शरीर में कोई अंदरूनी चोट लग जाती है, मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, अनदर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो डॉक्टर कहते हैं आप दूध में हल्दी डाल करके उस दूध को आपने पीना है। ऐसा करने से हमारे जो शरीर की प्रोग्रामिंग होती है वो बड़ी जल्दी होने लगती है। हमारे शरीर में अगर कोई किसी तरह की कोई दिक्कत चल रही है, हल्दी वाला दूध पीने से हमारा शरीर बहुत जल्दी अच्छा होने लगता है, हमारा शरीर बहुत जल्दी स्वस्थ होने लगता है। उसी तरह से तुलसी की जड़ में हल्दी वाला पानी डालने से अगर तुलसी में कोई कीट कीटाणु, कोई ऐसे जीव जो तुलसी को हानि पहुंचा रहे हैं या ऐसे जीव जो कई बार आंखों से नहीं दिखते, तो हल्दी वाला जल जो हम तुलसी की जल में डालते हैं, ऐसा करने से हमारी तुलसी जो है उसके जो कीट कीटाणु है वो झड़ने लगते हैं और हमारी तुलसी फिर से हरी भरी होने लगती है, क्योंकि हल्दी के रूप में उसको पोषक तत्व मिलने लगते हैं। उन पोषक तत्वों को तुलसी ग्रहण करती है और जिसके बाद से फिर से हमारी जो तुलसी है वो रिफ्रेश होने लगती है। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत तुलसी में थी तो फिर से वह पौधा खुद को हरा भरा करने लगता है। एक बात का ख्याल रखना है, एक हफ्ते में आपने केवल एक बार ही जो हल्दी वाला जल है वो तुलसी की जड़ में डालना है, एक से ज्यादा बार आपने उसको यूज नहीं करना है। और सर्दियों में तुलसी को ज्यादा जल देने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे गर्मियों में तो अगर हम डेली थोड़ा थोड़ा जल दे दें कोई परेशानी, सर्दियों में आपने तुलसी में या अन्य भी जो पौधे होते हैं थोड़ा ही जल देना होता है, क्योंकि सर्दियों में ठंड के कारण पेड़ पौधों को पानी की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपकी तुलसी बाहर है जैसे मेरी है, तो रात्रि को आपने तुलसी के ऊपर एक मोटी चुनरी जरूर ढक देनी है, जिससे रात को जो पड़ने वाली ओस है वो डायरेक्ट तुलसी पर ना पड़े। उस ठंड से तुलसी को बचाने के लिए जो है चुनरी इत्यादि या मोटा कपड़ा कोई तुलसी के ऊपर ढक देना चाहिए।